इंदौर की पोलो ग्राउंड स्थित 132 केवी सब स्टेशन में रात 9:30 बजे आग लग गई। जी हां, पोलो ग्राउंड स्थित पश्चिम क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी के परिसर में जब आग लगी तो सब तरफ भगदड़ मच गई और इसके साथ ही पलासिया, विजयनगर से लेकर जेल रोड और राजबाड़े का हिस्सा अंधेरे में डूब गया। पता यह चला है कि ट्रांसफार्मरों में भरे आयल में तापमान बढ़ने से अचानक फॉल्ट हुआ और उसके बाद आग लग गई और इसके बाद कई धमाके हुए और ट्रांसफार्मरों में आग बढ़ती चली गई। देर रात तक आग बुझाने के प्रयास जारी थे लेकिन आग तो बढ़ती ही जा रही थी। कुल मिलाकर इसकी वजह से शहर का एक बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूब गया और सड़कों पर भी अंधेरा छा गया। कुल मिलाकर यह बताया जा रहा है कि आग का कारण बढ़ती हुई गर्मी ही है। इधर इस वजह से पूरे शहर में अंधेरा होने से लोग बेचैन हो गए। कई लोग तो गाड़ियां ले लेकर एमपीबी की तरफ भी दौड़े। उन्होंने वहां आग का दृश्य देखने की कोशिश की लेकिन वहां पर तैनात पुलिस कर्मियों ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।